हे गाइस, माय नेम इज़ विक्रम प्रताप सिंह एंड वेलकम टू एचपी एकेडमी। और लाइव सेशन में आज थोड़े हम प्लान कर रहे हैं कि इंटरेक्टिव चैट भी हो, आप जल्दी से जुड़ जाइए और कुछ चैट्स भी आपके साथ साथ होती रहेंगी, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ भी सकते हैं। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का ये पहला इंटरेक्टिव लेक्चर है। और अभी हमने एक इससे पहले जो हमारी कल की क्लास थी, उस क्लास में हमने क्या किया था, एक बेस बनाया था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। और उस बेस में हमने आपको उनके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक्ट कैसे करता है और इनकी चीज़ों को, मतलब उनमें एक ऐसा बैकग्राउंड डिस्कस किया था जिनको कि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप मेंस एग्ज़ाम लिखने जाते हो तब भी उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड रैशनल, उन सबको भी आप वहाँ मेंशन कर सकते हो। और साथ ही साथ जब तक आपको किसी एक्ट के रीजनिंग के बारे में नहीं पता होगी, उसके उद्देश्यों के बारे में नहीं पता होगा ना, तब तक आप उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। वैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अपने आप में बहुत ही एक तरह से कहते हैं ना, इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो हमें उसको समझना ऐसे है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और चलिए हम उसको थोड़ा सा ईजी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, हेलो हेमंता, गुड इवनिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, सेशन पकड़ते हैं। पहली चीज़ जो हमें आपसे डिस्कस करनी है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में डिस्कस करना है। इसके बारे में का मतलब है कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि जब कभी भी कोई भी सब्सटेंटिव लॉ राइट में आपका आपके राइट्स का वायलेशन होता है, कोई भी ऑफेंस किया जाता है, और उस ऑफेंस के होने में क्या होता है कि एक ऐसी परेशानी क्रिएट होती है, एक ऐसी हिंड्रेंस क्रिएट होती है जिससे कि उस ऑफेंस को हम मानते हैं कि अगेंस्ट द सोसाइटी है। और जब ये अगेंस्ट द सोसाइटी हम इस ऑफेंस को मानते हैं तो स्टेट क्या होता है, वो एक्शन में आ जाता है, और ऑफेंस के मोमेंट पे ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या होता है, एक्शन में आ जाता है। और जैसे ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक्शन में आया, इसका मतलब कि स्टेट के जो भी फंक्शनरीज हैं वो अपने अपने राइट्स एंड अपने अपने ड्यूटीज़ को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की फंक्शनिंग क्या है। हाँ हेमंता, ये फर्स्ट क्लास है एक्चुअली, और हमने इससे पहले एक वीडियो डाली थी, ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि बेस के लिए फर्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये। देखिए, जब एक्चुअली हम सोच रहे हैं थोड़ा कुछ और लोग जुड़ जाएं, ठीक है, जिनसे कि हम स्टार्ट करें और आप नमस्ते पंकज, हेलो सर, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब कोई ऑफेंस होता है ना, सबसे पहले देख लो कि ऑफेंस, जब कोई ऑफेंस होता है ना सोसाइटी में, हम आपको एक स्टोरी बताते हैं। सपोज कि एक घटना घटित हुई, कहीं किसी ने किसी को गोली मार दी किसी स्पॉट पे, तो सबसे पहली चीज जो होती है वो क्या होती है कि या तो कुछ लोग वहां होंगे, उन्होंने उस सर्कमस्टांसिस को देखी होगी, या कोई पहला आदमी उस घटना को देखा होगा, या डायरेक्ट पुलिस उस घटना तक पहुंच जाती है, ठीक। तो अगर जो भी इंसान जो कि वहां उस एरिया में था, उस जगह पे प्रेजेंट था, उसने कोई ऐसी घटना हुई है, उस घटना के बारे में ट्रू रिकॉर्ड देता है, इंफॉर्मेशन देता है, किसको, किसी पुलिस अथॉरिटी को इन्फॉर्म करता है। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस अथॉरिटी को, वो क्या करता है कि पहले तो उस चीज को सेटिस्फाई होता है कि घटना किस नेचर की है। तो सबसे पहले हमें जो जानना है वो क्या है कि ऑफेंस किस तरीके के होते हैं। ऑफेंस होते हैं दो तरीके, इनको मान लेते हैं, एक जो कि कॉग्निजेबल होता है और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो अब ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, ये 2C में दिया हुआ है, जहां कि पुलिस अथॉरिटी जो है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है किसको, पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट
विदाउट वारंट। ठीक है, तो एक जनरल सी बात है कि ऐसी जगह पे पुलिस अथॉरिटी क्या कर सकता है, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। किसको अरेस्ट कर सकता है? जो भी अक्यूज्ड है, ठीक है, जो भी उस ऑफेंस का, या तो नामजद हो सकता है कि स्पॉट पे जाते हो, वहां देखते हो कि अच्छा वो फैमिलियर है एक दूसरे को, उसके जानने वाले हैं, या लोग उस एरिया के जानने वाले हैं, उनके बारे में बताएगा, या वो घटना को नैरेट करता है पुलिस से फोन करके। ठीक है, तो सब पुलिस के पास सबसे बड़ी अथॉरिटी, सबसे पहला स्टेप जो लेना होता है वो क्या होता है, उस घटना के बारे में उसको वो नोट डाउन करता है, कहाँ? एक डॉक्यूमेंट में, एक बुक में। ठीक है, तो हम जिस उस बुक को हम क्या कहते हैं, ये एक एक क्या है, एक ऐसी बुक है जिसमें कि FIR लॉन्च की जाती है। इस तरह से हम मानते हैं उसको, कि एक ऐसी बुक है जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन को मेंशन किया जाता है। ठीक है, अभी हम जब FIR आपसे डिस्कस करेंगे, तब उनके बारे में हम सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। पहले तो हम आपको एक ऑफेंस के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग होती हैं, तो इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग जो होती हैं, अगर कॉग्निजेबल मैं हटाता हूँ पहले, इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग जो होती हैं वो तीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तीन तरीके से होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली चीज देखिए, ये किससे होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट के माध्यम से आप कर सकते हो। दूसरा, कंप्लेंट के माध्यम से कर सकते हो। और तीसरा जो है वो कैसे? इन्फॉर्मेशन के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसे आप समझने की कोशिश करिए कि पहली चीज जो होती है, किसी भी कोई भी ऑफेंस जब होगा तो इनमें प्रोसीडिंग से स्टार्ट होती हैं, और प्रोसीडिंग किन के माध्यम से स्टार्ट हो सकती हैं? FIR ही नहीं मानते, इसमें NCR भी आएगा, भी आपसे डिस्कस करेंगे। FIR, दूसरी कंप्लेंट, और तीसरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये तीन तरीके की प्रोसीडिंग्स हैं जिनके की माध्यम से क्या करता है कि कोर्ट उन पे अपना क्या कहते हैं, कॉग्निजेंस देता है। ठीक है, मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग वहां से स्टार्ट होती है। ठीक, चलिए इसमें आप और आगे हम बताते हैं। अब देखिए, जब ये ऑफेंस हुआ तो इसकी सबसे पहले क्या आई? इंफॉर्मेशन आई। ठीक है, इसकी जो इंफॉर्मेशन आई ना, ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से हो सकती है? ये इंफॉर्मेशन दो तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकती है। पहली, जो कि ये इंफॉर्मेशन दो तरीके की हो सकती है, पहली कॉग्निजेबल केसेस के रिगार्डिंग, और दूसरी क्या है? नॉन कॉग्निजेबल केसेस के रिगार्डिंग। नॉन कॉग्निजेबल केसेस के रिगार्डिंग, तो ये अगर कॉग्निजेबल है, ये नॉन कॉग्निजेबल है, तो दोनों में डिफरेंस किया गया होगा। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनको कि अगर हम जनरली देखा जाए तो वो तीन थोड़े बड़े ऑफेंसेस होते हैं, थोड़े ग्रेव नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, और जिनकी की लिस्ट दी हुई है, उन लिस्ट में अगर फॉल करते हैं तो उनको हम कॉग्निजेबल मानते हैं, अदरवाइज इनको कॉग्निजेबल नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अब ये नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल, तो दो तरीके से यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। तो हम जो पहला, सबसे पहला स्टेप जो उठाएंगे, हम आपसे जो डिस्कस करेंगे वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इनके बारे में, और फिर इनके बारे में। अब देखिए, ये क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया का एक दूसरे से कनेक्शन है, और जब कनेक्शन है तो उस कनेक्शन को समझने के लिए हमें क्या होगा, एक रिदम बनाना पड़ेगा, एक प्रक्रिया में एक स्मूथनेस लानी पड़ेगी। तो उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, उस रिदम को आप फील करने की कोशिश करिए जो हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो इन्फॉर्मेशन आती है, मतलब ये तीनों पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है, अभी इसको हम हटाते हैं। देखिए, जब
कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट होती है ना, जब कोई भी ऑफेंस होता है, तो ऑफेंस के होने के बाद, ऑफेंस होने के बाद क्या होगा कि यहां एक इंफॉर्मेशन आती है। अब हम आपको इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ऑफेंस से नहीं, इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। तो अब इन चीजों को हम बाइफरकेट करते हुए एक क्या कहते हैं, ग्राफ के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो जितने पुलिस के रिगार्डिंग ना, पुलिस रिपोर्ट के रिगार्डिंग जितने ऑफेंसेज होते हैं, मतलब एफआईआर के और एनसीआर, इन सब की प्रक्रिया रन कैसे करती है, इनको हम एक समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, सबसे पहली चीज जो होती है वो क्या होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर। सेक्शन 154 बात करता है इसकी कि एफआईआर की। एफआईआर क्या होती है? एफआईआर का मतलब है कि उस स्पॉट पे होने वाली पहली इंफॉर्मेशन, होने वाली पहले उस घटना के को एक्सप्लेन कर, नैरेट करने वाली पहली इंफॉर्मेशन, जो कि किसके सामने आती है, पुलिस अथॉरिटी के सामने आती है, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में ये कैसा हो सकता है, ठीक है, ओरल हो सकता है या रिटेन हो सकता है। जो इंफॉर्मेशन कैसी हो सकती है, ओरल या हो सकता है या रिटेन हो सकती है, ओरल हो सकती है, रिटेन हो सकती है या टेलीफोनिक भी हो सकती है, ठीक, या किसी और अन्य माध्यम से भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, मान लो वो ओरल है या रिटेन है, आगे क्या करना है, मान लो वो ओरल है तो क्या किया जाएगा, ओरल इंफॉर्मेशन को पुलिस अथॉरिटी क्या करेगा, बुक में जॉट डाउन करेगा, उसको एज इट इज उतारेगा, जैसे वो जिस तरीके से बोल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इस चीज को जब बुक में उतार दिया गया, इसका मतलब है कि एफआईआर लॉज हो गई, रजिस्टर कर दिया गया, ठीक है। तो सिचुएशन तो ये है कि एफआईआर यहां लॉज हो गई, और किस केसेस में, कॉग्निजेबल केसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केसेस में, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि कॉग्निजेबल मामले में कोई इंफॉर्मेशन आई तो इस तरह से लॉज कर दी गई, लेकिन ठीक है। अब वहीं एक दूसरी बात आती है कि मान लो आप जाते हो और वहां इंफॉर्मेशन लॉज नहीं की जाती है, फिर क्या करोगे, ठीक, मतलब एफआईआर नहीं लॉज की गई तो क्या क्या ऑप्शन हैं आपके पास। तो पहला ऑप्शन है कि आपको 154 में ही जाना पड़ेगा, 154 के सब क्लॉज 3 में, जहां आप सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस के पास जा सकते हो, वहां उसको आप पोस्ट बाय पोस्ट कुछ चीज को भेज सकते हो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को या इंफॉर्मेशन को, और भेजने के बाद जब वो इन बातों को कंसीडर करेगा, ठीक है, उन बातों को वो संज्ञान में लेगा कि मैटर सफिशिएंट बन रहा है किस चीज के लिए, लॉज करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कर सकता है, या तो खुद से मैटर को लॉज करवाएगा या और इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर देगा, या तो क्या करेगा कि अपने किसी सबऑर्डिनेट को अपॉइंट कर देगा उस चीज के इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, उसके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट इस पे अपॉइंट कर दिया गया। अब देखो कि इनके पास कोई रीजनिंग नहीं है, इन्होंने भी मना कर दिया, कह रहे हैं कि हमारा कोई मैटर, ये मैटर सफिशियंट है ही नहीं है, ठीक। तो अब जब मैटर सफिशियंट नहीं है तो आप कहां जाओगे इसके बाद, इसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन आता है वो आता है 156(3) का। अभी कहां गए थे, एसपी के पास, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, अब आप कहां जा रहे हो, मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हो। यहां कौन है, यहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की बात कर रहा है कि उस एरिया में होने वाले, उस एरिया में जिसका जुरिडिक्शन होगा, उस एरिया के मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। और अब ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मे ऑर्डर, मे यहां उसका डिस्क्रिशन है, ऑर्डर, ऑर्डर कर सकता है, किसके रिगार्डिंग ऑर्डर कर सकता है, यहां मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है कि लॉज द एफआईआर एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है।
अगर सिचुएशन समझिए कि यहां भी नहीं, मजिस्ट्रेट ने भी नहीं अलाउ किया, ठीक है, तो क्या करोगे? तो यहां देखिए दो ऑप्शंस हैं आपके पास, यहां दो ऑप्शंस हैं कि मान लो यहां मजिस्ट्रेट ने अलाउ नहीं किया, यहां इन्होंने भी नहीं अलाउ किया, फिर क्या करोगे आपके पास? यहां आपके पास दूसरा ऑप्शन जो है वो या तो आप 482 में चले जाओ या 226 में आप रिट्स के माध्यम से जा सकते हो, ठीक है। यहां 482 जो इनहेरेंट पावर्स की बात कर रहा है और यहां 226 जो है ऑफ आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। यहां आप रिट्स के माध्यम, जो पांच तरीके की रिट्स होती हैं, उनके माध्यम से आप यहां FIR लॉन्च करवा सकते हो, ठीक है। इतनी बातें हो गई FIR के रिगार्डिंग कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगर नहीं लॉन्च की गई तो फिर क्या किया जाएगा, तब ये ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अब हम आपसे डिस्कस करते हैं कि इंफॉर्मेशन आई और पुलिस अथॉरिटी ने क्या करा, FIR लॉन्च कर दी, ठीक है। तो FIR लॉन्च कर दी किस मामले में? कॉग्निजेबल केसेस में, कॉग्निजेबल मामले में। अब FIR होने के बाद क्या होगा? पहली चीज, FIR जैसे ही लॉन्च हुई ना, FIR जैसे ही लॉन्च हुई, इसके बाद उसको क्या करना है? सबसे पहली चीज वो क्या करेगा कि यहां इसका राइट रिवाइव हो जाता है सेक्शन 156 सब क्लॉज 1, जहां उसका राइट रिवाइव हो जाता है कि किसी भी कॉग्निजेबल केसेस में जिस पुलिस अथॉरिटी के पास जुरिडिक्शन है वो स्टार्ट क्या कर देगा, इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस अथॉरिटी जिसमें कि FIR लॉन्च करी उसमें क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि क्या लॉजिंग ऑफ FIR और दोनों, मतलब इन्वेस्टिगेशन और लॉजिंग ऑफ FIR, क्या दोनों कोलेटरल है, क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्या लॉजिंग पहले होनी चाहिए फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होना चाहिए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि FIR लॉज होना बहुत बात की बात है, इन्वेस्टिगेशन तो पहले भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन कहां से स्टार्ट होती है, जहां से पुलिस अपना मन बनाता है, पुलिस के पास जैसे ही इंफॉर्मेशन जाती है, जहां से ही उसको संदेह होता है कि हाँ इस तरह की घटना हुई है, इंफॉर्मेशन वहीं से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन FIR लॉज तब किया जा सकता है कि जब उन कुछ मैटर्स में उनको लग जाता है और उनको नोट डाउन कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं, तब माना जाता है कि FIR लॉज हुई, ठीक। अब एक बात बताइए आप कि जैसे ही FIR लॉन्च की गई, ठीक है, अब उसके बाद क्या ऑप्शन आएगा इनके पास, FIR लॉन्च करते ही क्या ऑप्शन आएगा? इन्होंने, पुलिस अथॉरिटी ने पहली चीज क्या करी, इन्वेस्टिगेशन करा ली, ठीक है, करा ली, मान लिया। जैसे ही FIR लॉन्च किया गया, इसके जस्ट बाद वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले क्या भेजेगा, ऑकरेंस रिपोर्ट, ऑकरेंस रिपोर्ट, ऑकरेंस रिपोर्ट भेजेगा। किसको भेजेगा ऑकरेंस रिपोर्ट? मजिस्ट्रेट को, उस एरिया का जो मजिस्ट्रेट है, उस घटना के बारे में, उस घटना के बारे में जो भी मटेरियल सफिशिएंट है, उनकी एक ऐसी वर्बल रिपोर्ट या उनके मटेरियल लेके उनको मजिस्ट्रेट के पास फोर्थ विद जाएगा, घटना के बारे में बताना। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि पुलिस उन डॉक्यूमेंट्स के साथ, उन इंफॉर्मेशन के साथ कोई टैम्परिंग ना कर पाए। दूसरी चीज कि जो जिन जिन घटनाओं, उस जो करंट सिचुएशन है, उस सिचुएशन में कोई छेड़छाड़ ना हो पाए। और फिर क्या होगा कि पुलिस जो होता है उससे निकल के मजिस्ट्रियल कंसाइंस में वो बातें आ जाती हैं, जिससे कि बाद के पुलिस इन एक्शंस को उससे डील किया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि अकरेंस रिपोर्ट में मेंशन करना होता है कि वो स्पॉट पे क्या क्या रहा होगा। इसके साथ साथ दो चीज़ें और मेंशन करनी होती हैं कि क्या वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और क्या वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अब देखिए इसको हटाते हैं फिर से,
देखिए यहां दो ऑप्शंस आ रहे हैं. पहली चीज कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड, अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है तो दो चीजें हैं. तो और क्या ऑप्शंस होंगे? अब अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो यहां 160 की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, सेक्शन 160 की, जहां की समन किया जाता है, जहां की मतलब बुलाया जाता है किसको? विटनेसेस को. जो भी कंसर्न्ड विटनेसेस हैं उनको 160 में बुलाया जाता है. किस पर्पस के लिए? एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है. लेकिन अगर जहां इन्वेस्टिगेशन वो नहीं कर रहा है, उसने मेंशन किया कि एफआईआर तो लॉन्च कर दी है लेकिन मैटर ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन हमने नहीं करा, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में इसके पास क्या ऑप्शन होता है? मजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन होता है 159 का, सेक्शन 159 का. सेक्शन 159 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाता है. कौन करवाता है? मजिस्ट्रेट. प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाता है. किससे करवाएगा? या तो चाहे वो खुद से करे या किसी और से. इनसे क्या करेगा? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाएगा और इस चीज को सेटिस्फाई होगा कि क्या मैटर बन रहा है कि नहीं बन रहा. अगर मैटर यहां बन रहा है तब क्या करेगा? वो ऑर्डर देगा, मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा उस कंसर्न पुलिस अथॉरिटी को कि लॉज द एफआईआर एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन. तो वहां लॉज एफआईआर को स्टार्ट करके और क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने की बात करेगा. ठीक है. अब देखिए यहां ऑर्डर आने के बाद से फिर से यही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी. मतलब ये सेम प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी. इस चीज को वहां फॉलो किया जाने लगेगा. अब देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको. अभी तक आपने क्या देखा कि कोई इंफॉर्मेशन आई, उसको लॉन्च किया गया 156 सब क्लॉज 1 में. पुलिस ने अपने राइट टू इन्वेस्टिगेशन को एक्सरसाइज किया और अकरेंस रिपोर्ट उसके साथ साथ मजिस्ट्रेट को भेजी और अकरेंस रिपोर्ट 157 में भेजा. और जैसे ही अकरेंस रिपोर्ट वहां जाती है उसके बाद क्या होता है? उसमें दो चीजें मेंशन करता है कि वो इस चीज को मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है. जिस कंडीशन में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा होता उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट क्या करता है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी देखता है कि क्या मैटर सफिशिएंट बन रहा है. अगर मैटर सफिशिएंट बन रहा है तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि क्या होगा? एक आदेश देगा किसको? उस अथॉरिटी को कि इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दिया जाए. इतनी बातें. अब आगे आते हैं प्रक्रिया में 160 में बुलाया जाता है विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए. ठीक है, कि उनको नोटिस दी जाती है कि भाई आप अप्रेजेंट हो और पुलिस स्टेशन में आइए, आप इनका एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है. ठीक है. अब यहाँ एग्जामिनेशन के फिर उनको 161 लाइट में आता है, सेक्शन 161, जहाँ की ये कहा जाता है कि विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा. ठीक है. एग्जामिनेशन कहाँ हो रहा है? ये प्रॉपर एग्जामिनेशन है जिसमें कि पुलिस अथॉरिटी पूछता है उस इंसिडेंट के बारे में, ट्रू अकाउंट लेने की कोशिश करता है. ये एग्जामिनेशन 161 की बात कर रहा है. ठीक है. लेकिन यहाँ इसी के साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. जैसे सेक्शन 162 एक तरह का रिस्ट्रिक्शन है. 162 कहता है कि जब कोई भी ऑफेंस हो रहा है ना, और कोई भी ऑफेंस हो रहा है जिसमें विटनेसेस को बुलाया गया, चाहे वो अक्यूज्ड हो, चाहे वो विटनेस हो, चाहे वो पार्टीज हो, कोई भी हो, जिनको कि आप पुलिस की कस्टडी में रखते हुए पुलिस के सामने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर आप उनको एग्जामिन कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं लोगे. ठीक है. मतलब उस डॉक्यूमेंट का यूज कोई नहीं है जो कि पुलिस ने लिया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. एक्सेप्ट की कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं जो कि 162 में दिए हुए हैं. मान लो कॉन्ट्रडिक्शन के पर्पज से या कोई डिस्कवरी स्टेटमेंट अराइज हो जाता है, इन सब में अभी जब हम आपसे ब्रीफ में डिस्कस इनको जब सेपरेट करके हम डिस्कस करेंगे तब हम सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये क्या हो गया कि 162 आ गया लाइट में. ठीक है.
अब 162 के बाद इसका मतलब है कि अभी इन्वेस्टिगेशन रन कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन रन कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन रन करके इसका एक कंक्लूजन आएगा। एक कंक्लूजन क्या आएगा, पहला कि मैटर जो है मैटर सफिशिएंट है या मैटर इनसफिशिएंट है। देखिए ये जो प्रक्रिया फॉलो हो रही है ना, इनमें मैटर्स को इकट्ठा किया जा रहा है, किसी के स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं, रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के तरीके से उसको मेंशन किया जा रहा है। तो जब ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होंगे ना, होके तैयार होंगे ना, तो ऐसी कंडीशंस में ये या तो मैटर सफिशियंट होगा या इनसफिशियंट होगा, ठीक है। तो जहां मैटर इनसफिशियंट है ये फॉल करेगा सेक्शन 169 में, और जहां मैटर सफिशियंट है वो फॉल करेगा 170 में। तो मैटर जिसमें इनसफिशिएंट है उसमें अगर सपोज कोई भी अक्यूज्ड है वो कस्टडी में है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा, सिक्योरिटीज ले सकता है, बॉन्ड साइन करा सकता है कोर्ट, लेकिन उनको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा वो मुचलके पे, ठीक है। दूसरा, यहाँ अगर मैटर सफिशिएंट है, ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस में क्या बोलेगा, एक रिपोर्ट देनी होती है, कहाँ, 173 सब क्लोज्ड, ठीक है, ये रिपोर्ट देनी होती है। रिपोर्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट जाती है कहाँ, 173 सब क्लोज 2 में। तो प्रक्रिया देख लीजिए, प्रक्रिया ऐसे रन कर रही है, ठीक है, फिर 172 ये यहाँ से अब पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब यही पुलिस रिपोर्ट के आगे से हम बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि तीन प्रक्रियाएं, पहली मैंने आपसे बताया था इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग पुलिस वाली, दूसरे हमने आपसे कहा था कंप्लेंट, और तीसरी हमने आपसे कहा था इंफॉर्मेशन, ठीक है। यह है फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो गई, कंप्लेंट हो गई और इंफॉर्मेशन हो गई, ये तीन चीजें हो गई, ठीक है। अब इसमें देखो कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, वहां पुलिस रिपोर्ट जाती है, ठीक। अब इन तीनों का पड़ाव अगर एक जगह से हम देखें तो ये आता है कहां, कॉग्निजेंस पे, कॉग्निजेंस पे जाता है। कॉग्निजेंस क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो पुलिस रिपोर्ट गई ना, पुलिस रिपोर्ट पीआर 173 में, इस पे अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इस पे मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा, मतलब अपना संज्ञान लेगा। किन चीजों पे संज्ञान लेगा, पुलिस रिपोर्ट पे। वो इनको मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको बाध्य नहीं है कि 170 की जो रिपोर्ट आई उसको मानने के लिए भी बाध्य है, 169 की रिपोर्ट को भी मानने के लिए बाध्य है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो इन चीजों को संज्ञान में लेगा कि क्या क्या एग्जामिन करेगा, क्या मैटर सफिशिएंट बन रहा है कि नहीं, किस पर्पस के लिए, इशू प्रोसेस करने के लिए, पार्टीज को बुलाने के लिए और सुनवाई के लिए, ठीक है, फेयर ट्रायल के लिए क्या मैटर सफिशिएंट बन रहा है कि नहीं। तो जब ऐसा मैटर यहाँ सफिशिएंट बन रहा है तो ये हो गया किस मामले का, पुलिस रिपोर्ट के मामले का। पुलिस रिपोर्ट के मामले का कॉग्निजेंस किस में होता है, 190 सब क्लॉज 1B, ठीक है। दूसरा आते हैं कंप्लेंट, ठीक है, अब ये इसको हटाते हैं, दूसरी बात आ गई कंप्लेंट की। कंप्लेंट क्या होती है, कंप्लेंट
सेक्शन 2D में दिया हुआ है। सेक्शन 2D कहता है कि मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग, कह रहा है कि क्या कि कोई ओरल और रिटन क्या एलिगेशन, एलिगेशन मतलब किसी ऑफेंस की हैपनिंग या किसी घटना के होने के बारे में, ठीक है, एलिगेशन, ठीक है, मेड टू द मैजिस्ट्रेट, वहां आपने एफआईआर के मामले में आपने किसको दिया था इन्फॉर्मेशन, पुलिस को, यहां किसको दिया था इन्फॉर्मेशन, आपने किसको दे रहे हो, आप मजिस्ट्रेट को दे रहे हो, ठीक है, तो ये मजिस्ट्रेट को आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक। अब आगे बढ़ते, किस पर्पस के लिए दिया, विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन, किस पर्पस के लिए, मजिस्ट्रेट टू टेक एक्शन, किस पर्पस के लिए, मजिस्ट्रेट के एक्शन लेने के पर्पस के लिए, और किसके किसके रिगार्डिंग, ये कौन सी मतलब किस तरह के ऑफेंसेस हो सकते हैं, यहां दोनों हो सकते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल बोथ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई ऐसा एलिगेशन जो कि मजिस्ट्रेट को दिया जाता है एक्शन लेने के पर्पस से, जो कि कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल हो सकता है, या नोन के लिए अननोन के लिए हो सकता है, तो ऐसी ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कंप्लेंट कहते हैं, ठीक। अब जब कंप्लेंट आई तो इसकी एक विहित प्रक्रिया भी होगी, एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर भी इसको फॉलो किया जाता होगा, ठीक है। तो जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट आई तो मजिस्ट्रेट इस पे क्या लेगा, तुरंत ही कॉग्निजेंस लेगा, तुरंत ही कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस कहां ले रहा है, 1A में, ठीक है, सेक्शन 190 सब क्लॉज ए में, ठीक। क्या लिया, कॉग्निजेंस लिया, ठीक है। अब जैसे ही कॉग्निजेंस हुआ, फिर इसके जस्ट बाद स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है, सबसे इसके जस्ट बाद स्टार्ट होता है कि ठीक है, जैसे ही इसने कॉग्निजेंस लिया, इसके बाद कंप्लेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कंप्लेंट प्रोसीडिंग जो दी हुई है वो सेक्शन 202 सेक्शन 203 में दी हुई है, ठीक। अब हम एक एक करके प्रोविजंस को हम डिस्कस करते हैं, कैसे होगा इसमें, देखिए, जैसे ही कोई भी कंप्लेंट लॉन्च की जाती है, फाइल की जाती है कोर्ट के सामने, तो कंप्लेंट के साथ साथ क्या होता है कि कुछ मटेरियल्स दिए जाते हैं, ठीक, कुछ मटेरियल्स होते हैं तो उनको भी सबमिट किया जाता है, और उसके साथ मटेरियल के साथ साथ और क्या, कुछ विटनेसेस होते हैं तो विटनेसेस को भी एग्जामिन कर सकती है कोर्ट। किस चीज़ के लिए, इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए क्या कोई प्राइमा फेसाई केस बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है, और ये सारे एग्जामिनेशन ऑन ओथ होते हैं, ठीक। अब लेकिन जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने वो सारे डॉक्यूमेंट आए, मजिस्ट्रेट उन पे अपना कॉग्निजेंस लिया कि प्राइमा फेसाई मटेरियल बन रहा है, मैटर बन रहा है, लेकिन यही दो ऑप्शन है उसके पास। पहला ऑप्शन क्या है कि एग्जामिनेशन से पहले अगर उसको ये लग रहा है कि 156 सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 में वो मैटर को रेफर कर दे, किस पर्पस के लिए, पुलिस के एग्जामिनेशन के लिए, पुलिस के और आदेश दे दे कि उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाए पुलिस के द्वारा, और इस चीज को कंसिडरेशन में रखेगा कि अगर इस मैटर को पुलिस एग्जामिन करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, तो ऐसी कंडीशन में इसको अप्रोप्रिएट तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो कॉग्निजेंस लेने से पहले, मतलब अगर ये मान लिया जाए, ये तो कॉग्निजेंस अगर इसको मान लिया जाए
कॉग्निजेंस लेने से पहले ये इसको मैटर को रेफर कर देगा, और फिर अगर यहाँ रेफर कर दिया तो वो इन्वेस्टिगेशन की जो अभी हमने प्रक्रिया डिस्कस करी है वो प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। लेकिन अगर कोर्ट ने इस पे कॉग्निजेंस ले लिया देन कंप्लेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कंप्लेंट प्रोसीडिंग, ठीक है, कंप्लेंट प्रोसीडिंग क्या होती है? कंप्लेंट प्रोसीडिंग ये होती है कि सेक्शन 200 कहता है कि जो भी विटनेसेस, जो भी डॉक्यूमेंट हैं, उन सबको एग्जामिन किया जाएगा ऑन ओथ। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है इसमें कि अगर एग्जामिन करने के बाद भी बाद कोर्ट को लग रहा है तुरंत ही, मतलब तुरंत ही कोर्ट को ये लग रहा है कि कोई मैटर बन ही नहीं रहा, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो सेक्शन 203 में जाए और वहां कैंसिल कर दे किस चीज को, कंप्लेंट को, ठीक है, यहां क्या हो जाएगी, कैंसिलेशन हो जाएगा कंप्लेंट का, ठीक है, रिजेक्शन हो जाएगा। अब दूसरा, या तो दूसरी चीज क्या कह रहा है, या तो मैटर को 202 में ले जाए। 202 क्या कहता है, इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। ये दोनों इन्वेस्टिगेशन डिफर करते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसमें मजिस्ट्रेट खुद भी करा सकता है या किसी तीसरे अथॉरिटी के द्वारा किसी इंडिविजुअल को भी आदेश देके इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। ये प्री कॉग्निजेंस स्टेज की बात करता है यहाँ का इन्वेस्टिगेशन, और ये पोस्ट कॉग्निजेंस की बात करता है, बाद के कॉग्निजेंस के बाद की, ठीक है। कॉग्निजेंस के जस्ट बाद अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इंक्वायरी स्टार्ट होती है, ठीक है, अभी आपको जब डिस्कस करूंगा मैं आपको बताऊंगा कि कॉग्निजेंस के जस्ट बाद से इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ इससे पहले क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है जब ऐसे मैटर्स रन कर रहे होते हैं। तो यहाँ इन्वेस्टिगेट करेगा मैटर को, कंसिडरेशन क्या होगा, किस चीज को ध्यान में रखेगा, इन्वेस्टिगेशन में किस चीज को ध्यान में रखेगा कि क्या मैटर सफिशियंट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर मैटर यहां सफिशियंट बन रहा है, ठीक है, तब इनके पास इन्वेस्टिगेशन के पास दो राइट्स हैं, दो पावर्स हैं। पहला पावर जो है वो एक्सरसाइज करेगा 203 का, और दूसरा है 204 का। 203 कहता है यही रिजेक्शन की बात करता है, कैंसिलेशन की, जब मैटर सफिशियंट नहीं बनेगा तो वो क्या करेगा, मैटर को डिसमिस कैंसिल कर देगा, कंप्लेंट क्या होगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैटर सफिशियंट बन रहा है तब क्या करेगा, तब करेगा इशू ऑफ प्रोसेस, ठीक है, इशू ऑफ प्रोसेस करेगा। इशू ऑफ प्रोसेस में, ठीक है, इशू ऑफ प्रोसेस में क्या होगा कि अब अक्यूज्ड को बुलाया जाएगा पहली बार। कंप्लेंट के केसेस में यही होता है कि कंप्लेंट के केसेस में अक्यूज्ड को एग्जामिन नहीं किया जाता उसी टाइम पे, क्योंकि अक्यूज्ड प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ केवल कंप्लेनेंट प्रेजेंट होता है, और कंप्लेनेंट प्रेजेंट होगा तो केवल उसी के डॉक्यूमेंट, उसी को एग्जामिन किया जाता है। लेकिन अब जब इशू ऑफ प्रोसेस किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में अक्यूज्ड को बुलाया जाएगा फॉर द इंक्वायरी पर्पजेस, ठीक है। तो कंप्लेंट का जो पर्पस था वो क्या था, इशू ऑफ प्रोसेस किया जाना, जो एग्जामिनेशन था वो इस पर्पस से किया जा रहा था कि इसका अब इशू ऑफ प्रोसेस किया जाए, तब किया जाना चाहिए, ठीक है। हेमंत, कॉग्निजेंस क्या है? अच्छा, कॉग्निजेंस देखिए, सेक्शन 190 जो बात करता है वो कोर्ट के कॉग्निजेंस लेने की बात करता है। देखिए, कॉग्निजेंस का मतलब होता है कोर्ट वहां अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है कि मैटर सफिशिएंट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर मैटर सफिशिएंट बन रहा है तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा कि प्रोसीड करेगा फर्दर प्रोसीडिंग्स के साथ साथ, ठीक है। इसमें देखिए मैं बताता हूं आपको कि कॉग्निजेंस का मतलब, कॉग्निजेंस को डिफाइन नहीं किया गया है, कॉग्निजेंस कोर्ट के जुडिशियल प्रूडेंस का एक्सरसाइज किया जाना किसी मैटर पे, उसको हम कहते हैं कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस हमेशा किस चीज का होता है, ऑफेंस का होता है या ऑफेंडर का होता है, ये क्वेश्चन आप बार बार पूछते हैं, तो कॉग्निजेंस हमेशा किसका होता है, ऑफेंस का होता है, ना कि ऑफेंडर का होता है, ठीक है। तो 190 में दिया हुआ है, अभी और चीजें हम डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। ये तो बात हो गई कंप्लेंट की प्रोसीडिंग की, ठीक। अब हम आते हैं तीसरी बात, इसको हटा देंगे,
तीसरी बात है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होता है कॉग्निजेंस से। इसका मतलब है, देखिए ऐसे समझने की कोशिश करिए कि जब कभी भी मजिस्ट्रेट या कोई मजिस्ट्रेट क्या कहता है कि टहलता रहता है या उसके संज्ञान में, वह न्यूज़पेपर से किसी मामले को संज्ञान में लेता है, किसी मैटर को कॉग्निजेंस में लेता है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, पहली चीज़ क्या होगी कि मजिस्ट्रेट, मान लो इन्फॉर्मेशन उसको लगी, मजिस्ट्रेट आई, उस मजिस्ट्रेट के बारे में मजिस्ट्रेट को ये बात पता चली, उसने उस पर कॉग्निजेंस लिया। अब कॉग्निजेंस लेने के बाद क्या होगा, कॉग्निजेंस लेने के बाद यहाँ सेक्शन 191 लाइट में आता है। 191 में कहा जाता है कि अगर जो अक्यूज्ड है जिसके कि खिलाफ कॉग्निजेंस लिया गया है वो रिक्वेस्ट करता है कि इस मजिस्ट्रेट के सामने से इसका वो ना कराया जाए, ट्रायल ना कराया जाए, एग्जामिनेशन ना करवाया जाए, तो वो अपने मनपसंद या मतलब अपने चाहने वाले जिस कोर्ट में वो सुटेबल समझे या सीजेएम को जिस कोर्ट में लगे उसमें उस मैटर को रेफर कर सकता है, उस मैटर को कमिट कर सकता है, ठीक है, एग्जामिनेशन के पर्पजेस से। ठीक, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, 190 के वन के प्रोसीडिंग के जस्ट बाद कॉग्निजेंस के इसमें तुरंत ही क्या हो जाता है, इशू ऑफ प्रोसेस हो जाता है। इशू ऑफ प्रोसेस अभी हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे, 204 में है, ठीक है। तो तीनों प्रक्रिया कैसे, आपको आप समझने की कोशिश करिए, जो अभी हम तीनों प्रक्रिया आपसे डिस्कस करी वो कैसे रन कर रही हैं, हम एक बार जल्दी से आपका ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, एफआईआर हुआ, ठीक है, एफआईआर के जस्ट बाद क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया मान लो, ठीक है, यहां के बाद क्या हुआ, ऑकरेंस रिपोर्ट दी, ऑकरेंस रिपोर्ट दी, ठीक है, ऑकरेंस रिपोर्ट गई, इसके बाद क्या हुआ, पार्टीज को बुलाया गया, किसको, विटनेसेस बुलाए जा रहे हैं, विटनेस को कॉल किया गया, ठीक है, अब विटनेस का एग्जामिन किया गया, एग्जामिन किए गए विटनेस, ठीक है, अब एग्जामिनेशन के बाद यह प्रक्रिया रन ही कर रही थी, फिर मैटर सफिशिएंट हो गया, अगर उसको लगा कि पुलिस अथॉरिटी को लगा कि मैटर अब सफिशिएंट हो गया है या इनसफिशिएंट है, इन्वेस्टिगेशन समअप होने के बाद इनसफिशिएंट है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि सफिशिएंसी के केसेस में और इन दोनों में एक रिपोर्ट लगानी होती है, वो पुलिस रिपोर्ट के नाम से होगी ये, ठीक है, इनसफिशिएंट है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा कस्टडी से, ठीक है। अब ये इतना मैटर हो गया, अब इसके जस्ट बाद क्या हो रहा है, कॉग्निजेंस हो रहा है, पुलिस रिपोर्ट पे कोर्ट क्या करेगी, कॉग्निजेंस लेगी 190 सब क्लोज बी में, ठीक है, ये मैटर आपका आ रहा है 169 में, ये आ रहा है आपका 170 में, ये आ रहा है विटनेस का एग्जामिनेशन हो रहा है यहाँ 161 में और 162, ये आ रहा है 160 में, ये बात हो रही 157 में, और इसके साथ एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रोविज़न है जो हमने आपसे डिस्कस किया 159 में, और ये है एफआईआर आपकी जो बात कर रहे हैं 154 में, और साथ ही साथ 156 हमने आपसे डिस्कस किया था, और एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन का जो पुलिस का सोल पावर है वो दिया हुआ है कहाँ, आपके सोल पावर कहाँ दिया हुआ है, 156 सब क्लॉज 1 में। ये तो पुलिस, ये तो एफआईआर के मामले हो गए, ठीक है, एफआईआर के मामले हो गए। अब आते हैं कंप्लेंट का, कंप्लेंट भी ऐसे ही बताते हैं आपको, कंप्लेंट के मामले में कोई भी कंप्लेनेंट आता है कोर्ट के सामने, जिसके पास ज्यूरिडिक्शन है उनके पास जाता है और कंप्लेंट फाइल करता है, कंप्लेंट को फाइल करते ही कंप्लेंट आई, कंप्लेंट के जस्ट बाद क्या होगा, कॉग्निजेंस होगा उस पर, ठीक है, कॉग्निजेंस हो गया, कॉग्निजेंस ले लिया कहाँ, 190 में, 190 सब क्लॉज 1A, कॉग्निजेंस हो गया, कंप्लेंट कहाँ दिया हुआ है, 2D में दिया हुआ है, ठीक। अब
कॉग्निजेंस हो गया, कॉग्निजेंस के बाद क्या हो गया, कंप्लेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कंप्लेंट प्रोसीडिंग कहां से कहां तक दी हुई है, सेक्शन 202, 203, 200 मैंने आपको बता दिया, एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद तुरंत क्या कर सकते हैं, या तो कैंसिल किया जाएगा, ठीक है, जब मैटर सफिशिएंट नहीं होगा तो क्या मामले को क्या होगा, कंप्लेंट को क्या किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, और अगर मैटर सफिशिएंट बन रहा है देन उसको कहाँ रेफर किया जाएगा, 202 में, सॉरी मैटर में थोड़ी मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए तो वो क्या होगा, यहाँ इन्वेस्टिगेट कराएगा, और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर उसको मैटर लग रहा है तो या तो वो कैंसिल कर देगा सफिशिएंट नहीं होगा, और अगर सफिशिएंट है तो वो क्या करेगा, इश्यू ऑफ प्रोसेस कर देगा, ठीक है। ये तो हो गई आपकी कंप्लेंट प्रोसीडिंग, और फाइनली जो है लास्ट जो है लास्ट है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का जो कॉग्निजेंस होता है वो कॉग्निजेंस कहां होगा, किस प्रोविजन में, 190 सब क्लॉज सी में इसका कॉग्निजेंस किया जाएगा, और कॉग्निजेंस के जस्ट बाद अगर एक्यूज्ड अपनी एप्लीकेशन डालता है कि मैटर को रेफर कराने के लिए, तो मैटर को रेफर करा दिया जाएगा, और उसके बाद जस्ट बाद इसमें क्या होता है, इश्यू ऑफ प्रोसेस हो जाता है डायरेक्ट। इश्यू ऑफ प्रोसेस हो जाता है। तो ये तीन प्रक्रिया है, इन तीन प्रक्रिया के माध्यम से, इन्हीं प्रक्रिया के माध्यम इशू ऑफ प्रोसेस के बाद से क्या स्टार्ट हो जाता है कि इंक्वायरी की प्रक्रिया स्टार्ट रहती है, मतलब इंक्वायरी इशू ऑफ प्रोसेस का ही पार्ट है, और फिर बाद में जाके इसी का ट्रायल होता है, वो और सारी बातें हम आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आज हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे थे कि कैसे प्रक्रिया स्टार्ट होती है और कैसे रन करती हैं। अब एक एक प्रोविजन को हम आपसे डील करेंगे, ठीक है, जैसे अब FIR को डील करना है, फिर उसके बाद अकरेंस रिपोर्ट क्या होती है इनको डील करना है, ठीक है, फिर 162 के क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको डील करना है आपसे, फिर कंप्लेंट के बारे में 200 क्या कहता है, सेक्शन 2D क्या कहता है, ये सारी बातें फिर हम आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। और चलिए आज के लिए तो सफिशेंट है, और किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं, आपके क्वेश्चंस नहीं आए आज, चलिए कोई बात नहीं, आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, जो काफ़ी लोगों ने जुड़ा है, ठीक है, चलिए, ओके सर, गुड नाइट।